हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और आज मैं आपको बताऊंगा मेट्रोजिल टैबलेट के बारे में। दोस्तों, जो मेट्रोजिल टैबलेट होती है वो बहुत ही अच्छा काम करती है आपके शरीर पर अगर आपको पेट से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत हो जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो मेट्रोजिल टैबलेट है उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, कितने अमाउंट में आपको इसको लेना चाहिए, किस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए और कौन कौन से लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इन टॉपिक्स के बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अब मैं आपको बताता हूँ जो मेट्रोजिल टैबलेट होती है वो किस फॉर्मेट के अंदर आती है। दोस्तों, जो मेट्रोजिल टैबलेट है वो काम करती है ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर। अगर आपको बॉडी से संबंधित किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया इन्फेक्शन शामिल होता है तो उसको ठीक करने के लिए मेट्रोजिल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक दूसरा काम भी होता है, वो होता है पैरासाइट इन्फेक्शन को कम करने के लिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का पैरासाइट की वजह से इन्फेक्शन हो गया है तो उसको भी ये ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। दोस्तों, जो मेट्रोजिल होती है उसके अंदर साल्ट होता है मेट्रोनिडाजोल, जो कि लगभग आपको 200 mg, 400 mg और 600 mg के अंदर देखने को मिलता है। इसकी आपकी ड्रिप भी आती हैं जो कि एंटीबायोटिक ड्रिप्स होती हैं। मेट्रोजिल एक एंटीबायोटिक टैबलेट भी है, एंटीबायोटिक ड्रिप भी होती है जो कि आपको पेट से संबंधित बहुत सारी दिक्कतों को दूर करने में इस्तेमाल की जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ इस टैबलेट का इस्तेमाल या फिर जो ड्रिप होती है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कौन कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहला काम होता है इसका एंटीबैक्टीरियल, यानी कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाए पेट के रिगार्डिंग, जैसे कि आपके पेट में दिक्कत आ जाए, पेट के अंदर सूजन आ जाए, पेटों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, आंत के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, तो अक्सर मेट्रोजिल टैबलेट का ही इस्तेमाल किया जाता है जो कि इन्फेक्शन को पूरी तरह से ख़त्म करने में मदद करता है। अगर किसी को आंतों में सूजन है, पेट से संबंधित किसी प्रकार की सूजन आ गई है तो उसमें मेट्रोनिडाजोल की या फिर मेट्रोजिल की एक ड्रिप लगाई जाती है, दिन में 2 बार लगाई जाती है और 3 दिन से लेकर 5 दिन तक इसका ट्रीटमेंट चलवाया जाता है जो कि आंतों की सूजन को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके और भी फायदे होते हैं जो कि पैरासाइट इन्फेक्शन में भी इसका काफ़ी अच्छा योगदान रहता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की जैसे कि डायरिया हो जाए या डिसेंट्री हो जाए, बार बार दस्त आते हैं या फिर खूनी दस्त आने की शिकायत हो तो ऐसी कंडीशन में भी मेट्रोजिल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी मेट्रोजिल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। पेट के अंदर किसी प्रकार के अल्सर होने पर PPI के साथ, यानी कि प्रोटोन पंप जो इनहिबिटर ड्रग्स होते हैं उनके साथ मेट्रोजिल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, अल्सर को भी ठीक किया जाता है, साथ में एंटीबायोटिक दवा देकर भी पेट के अल्सर को पूरी तरह से ठीक किया जाता है। पेट में जो अल्सर पड़ते हैं उनमें बहुत ही कम नसेड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। नसेड्स क्या होते हैं दोस्तों? जैसे कि डाइक्लोफेनिक हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, निमोसुलाइड हो गया, असिक्लोफेनिक हो गया, तो ये सारे जो साल्ट होते हैं इसमें बहुत ही कम इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि इनका अल्सर पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर किसी के पेट के अंदर अल्सर हैं तो आप इन्हें भूल कर भी ना दें वरना उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। एक हल्की सी कैटेगरी होती है जिसमें कभी कभार नसेड्स चलाए जाते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर PPI ड्रग्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन के अंदर भी मेट्रोजिल टैबलेट का काफ़ी अच्छा योगदान रहता है और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों मेट्रोजिल के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। एक जो अच्छा डॉक्टर होता है अपने प्रैक्टिस के आधार पर मेट्रोजिल टैबलेट का इस्तेमाल करता है। कभी भी पेशेंट को खुद से किसी भी प्रकार की एलोपैथी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ अगर आप मेट्रोजिल को ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर आपकी बॉडी पर वो अच्छी तरह से सूट नहीं होती है तो क्या क्या इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। मुख्य रूप से इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है हेडेक, यानी कि सिर में दर्द होना, कभी कभार उल्टी भी आती है, जी मिचलाना और कभी कभार हल्के दस्त भी लग जाते हैं। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जिन लोगों पर मेट्रोजिल अच्छी प्रकार से सूट नहीं हो पाती है या फिर किसी भी वजह से उनको कुछ साइड इफेक्ट आ जाता है अगर वो इसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर लेता है। अब मैं आपको बताता हूँ इस टैबलेट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो किन किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों किसी भी टैबलेट का इस्तेमाल 18 साल के बाद ही करना चाहिए। अगर आप पूरी तरह से वयस्क इंसान हैं, अडल्ट इंसान हैं, तो ये आपकी बॉडी पर यह अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं
वो आप पीडियाट्रिक से पूछकर इन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो, अदरवाइज वो सिरप वगैरह देते हैं एंटीबायोटिक सिरप जो कि उनकी बीमारी के दौरान चलाए जाते हैं। तो बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की टैबलेट की सलाह नहीं दी जाती है। हालांकि अगर किसी की उम्र जैसे कि 14-15 साल के आसपास है तो उनके लिए मेट्रोजिल 200 mg की मात्रा में चला दी जाती है। उनसे उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा भी मिलता है और उनका शरीर भी ठीक रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ जो मेट्रोनिडाजोल साल्ट है या फिर मेट्रोजिल टैबलेट है, इस टैबलेट का इस्तेमाल कितने समय तक करना चाहिए। तो लगभग दोस्तों किसी भी प्रकार की जो एंटीबायोटिक दवा है उसका इस्तेमाल सिर्फ 5 दिन से 7 दिन तक ही करना चाहिए। इसके ज़्यादा कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी डोज ही 5 से 7 दिन तक की होती है। अब मैं आपको बताता हूँ इस टैबलेट का इस्तेमाल आपको कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो रोज़ाना के तौर पर इस टैबलेट का इस्तेमाल दिन में 2 बार करने की सलाह दी जाती है। हमेशा इस टैबलेट का इस्तेमाल खाना खाने के बाद ही करें। एक बार आप सुबह के समय और एक बार शाम के समय खाना खाने के बाद इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। इससे आपके शरीर पर भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी जो बीमारी है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाती है। अब मैं आपको इसका प्राइस भी बता देता हूँ दोस्तों। ये बहुत ही कॉमन टैबलेट है, हर एक मेडिकल स्टोर पर आपको इजीली मिल जाएगी और इसकी जो कीमत होती है लगभग 20 या 30 रुपए के आसपास होती है। तो आप इसे अपने हिसाब से देख कर खरीद भी सकते हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही साथ अपने 10 दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें मेडिकल से संबंधित अच्छी जानकारी मिल सके और वो दवाइयों के बारे में जान सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।